इतना खूबसूरत सीन है कि लोग नहा रहे हैं। ओहो सीनरी देखें जी आप, और ये देखें जी बड़ा ही खूबसूरत सा एक रेवड़, खूबसूरत सीनरी है, खुले मैदान साइडों पे और सामने डैम के नज़ारे। वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। आज बहुत सख्त गर्म मौसम है और टेम्परेचर जो है वो आज तकरीबन 41 डिग्री के पास है और बहुत शदीद गर्मी है। इस वक्त जो है वो दिन का 1 बज रहा है और हमने ये फ़ैसला किया कि घर पे बैठने की बजाय हम आज जो है वो खानपुर डैम की तरफ जाएँ और ये व्लॉग जो है वो हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस रावलपिंडी से इस्लामाबाद का मुकम्मल आपको डिस्टेंस भी बताएंगे, लोकेशन भी बताएंगे। और पानी में हमारा मूड है कि इस गर्मी का जो टाइम है ये किसी पानी के पास जो है वो गुजारा जाए। स्ट्रिच के पास है, कासिम मार्केट का इशारा हमने क्रॉस किया है और यहाँ से हम ना अपने बाइक का टैंक फुल कराएँगे। और मैं आपको भी ये मशवरा दूँगा कि अगर आप GT रोड पर ट्रैवल करें ना, पेशावर रोड पर, तो ये जो वेस्ट्रिच का पंप है ना, ये शेल पंप, इसका फ्यूल कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ से आप अपना टैंक का फुल कराएं। ठीक होगा, फुल कर। तो इस वक्त हम तर्नोल में मौजूद हैं और तर्नोल आ गया। तर्नोल में जब आप आते हैं ना, तो तर्नोल की एक ही चीज़ मशहूर है, वो यहाँ का मलंग जान है। यहाँ पे वैसे खाने के लिए आपको ये शनवारी रेस्टोरेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो ख़ास यहाँ की खूबी है वो यहाँ का मलंग जान है, जो कि आपको बीफ पुलाव और वहाँ के जो कबाब हैं स्पेशली, वो आपको बहुत जो है ज़बरदस्त यहाँ से मिल जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जान फूड्स है, ये अब इन्होंने जानान फूड्स और उनके नाम से जो है वो स्टार्ट किया, लेकिन जो अलग मलंग जान है वो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। ये मलंग जान का आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये जो है मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये मलंग जान है। और मेरी कोशिश होगी कि हम जब खानपुर से वापस आएँ और हमें भूख की शिद्दत लगी, जब आप नहाते हैं ना पानी में ख़ास तौर पे आपको बड़ी भूख लगती है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम राइट लेफ़्ट पे बैठने की बजाय सीधा मलंग जान आएँ और मलंग जान में जो है वो खानों को इंजॉय करें। पेशावर रोड के ऊपर जब आप आएँ तो आपको ये B17 मल्टी गार्डन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मेरे इस साइड पर आप देख सकते हैं, ये मल्टी गार्डन है। और मल्टी गार्डन जब आ जाए तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाएं कि अभी जो खानपुर बाईपास है वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे फैसल हिल्स होगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि फैसल हिल्स के बिल्कुल सामने जो है वो खानपुर बाईपास है। ये फैसल हिल्स है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सामने PSO पंप है। और अगर ये मैं ट्रैक्टर को क्रॉस करूँ ना, तो ये आप देख सकेंगे कि आगे लिखा है बोर्ड HIT और CBT ऑफिस, टेक्सला म्यूज़ियम। ये आपने यहाँ से राइट की तरफ टर्न लेना, देख रहे हैं अब ये फैसल U-टर्न फॉर HIT, ये देखें आपके सामने मेंशन है। और मैं फैसल हिल्स के सामने ये जो U-टर्न है यहाँ से वापस आऊँगा और इसको कहते हैं खानपुर बाईपास। और ये खानपुर रोड बाईपास के ऊपर हम आएंगे तो ये रोड सीधा खानपुर की तरफ जा रहा है और हमें चूँकि खानपुर डैम की तरफ ही जाना है, बड़ी एहतियात के साथ हम ये क्रॉसिंग करेंगे। और ये देखें जी, ये आप देखें, जैसे ही आप U-टर्न लेंगे आपको नज़र आ रहा है कि टेक्सला म्यूज़ियम आपसे 4 किलोमीटर के फासले पे है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लोग अक्सर इसको गलत कर देते हैं और बिल्कुल सीधा जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो फैसल हिल्स याद रखना। ये देखें आप, बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है और ये देखें खानपुर UET टेक्सला म्यूज़ियम। ये ओहो जनाब, ये जो फाटक है क्लोज़ हो रहा है, रश बहुत ज़्यादा है और फाटक क्लोज़ हो गया, तो हम थोड़ी देर छाँव में खड़े होंगे। चलें जी, फाटक जो है वो खुल गया। ये जगह का ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जब फाटक बंद होता है ना तो यहाँ पे रश बहुत बढ़ जाता है। और ये जितनी नफरी आपको नज़र आ रही है ना, ये मुझे लगता है सारे खानपुर डैम में नहाने के लिए चाह रहे हैं। सो लेट्स सी, रश आप चेक कर सकते हैं, शदीद रश है। और जैसे ही आप इस रोड के ऊपर आते हैं ना तो आपको बड़ी प्यारी फील आती है। देख रहे हैं आप दरख्त दोनों साइडों पे और बीच में जो छाँव है वो एक आपको ना ठंडक ठंडक सी फील आती है। आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप उस डेस्टिनेशन के करीब हैं जो गर्मी के तोड़ के लिए जहाँ आए हैं, अब आप जो है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। बिल्कुल सामने जो है वो आपको टेक्सला म्यूज़ियम नज़र आ रहा है और ये बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर ना टेक्सला की, चूँकि बहुत हिस्ट्री है, काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, और हम इंशाल्लाह इंटेंशनली एक व्लॉग्स कुछ इस तरह के क्रिएट करेंगे। ये हिस्ट्री जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके ऊपर जो है वो बाकायदा हम एक सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर हम आपको इनके तमाम जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और उनकी जो हिस्ट्री है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये इंटेंशनली मैं इसको जो है वो ज़रूर इस तरह के कुछ व्लॉग्स जो है वो बहुत जल्द जो है वो क्रिएट करूँगा इंशाल्लाह। तो टेक्सला में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ का जो मार्बल है, यहाँ का जो पत्थर है, ये वैसे ही फेमस है। ये आपको देख रहे हैं आप मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो ये कब्रों के डिज़ाइन बनाए हुए हैं इन्होंने, और ये पत्थर का काम भी यहाँ पर मार्बल। और ये राइट साइड पर आप देखें हांडियाँ, चट्टू वटनियाँ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे रोड के ऊपर मार्बल का बहुत सारा काम जो है वो नज़र आएगा। और ये देखें आप अभी भी मेरी राइट साइड पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस तरह की बनी हुई है। खानपुर रोड के लिए बड़ा ही डिफरेंट सा रूट लेंगे। और ये आप देख रहे हैं जैसे ही हम यूटी टेक्सला से आगे आते हैं तो मेरा ख्याल है 100-200 मीटर के ऊपर ये राइट टर्न है, और इसको कैनाल रोड भी कहा जाता है। ठीक है, वेलकम टू सिरसुख, पिपलियाँ, झंडयाल। और ये, और जैसे ही आप इस रोड पे आते हैं और देखें आपके सामने आपको हिल्स नज़र आ रही हैं, एक बिल्कुल नेचुरल और देहात सा माहौल और नेचुरल वो एक वाइब्स नहीं आती, एक ग्रीनरी। ये देखें एक बड़ा ही ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल चीज़, जिस तरह पुराने ज़मानों में चरखा चलता था, नहर चल रही है यहाँ पे। मुझे ये भी बताया गया कि लोग जो है वो यहाँ पे नहाते भी हैं, और बड़ी खूबसूरत नहर है, बड़ी प्यारी नहर है। और ये आप साइडों पे देख रहे हैं, दोनों साइडों पे जो है वो ग्रीनरी है। यहाँ पर भी आप देखें खेत हैं, घर बने हुए हैं, बीच में नहर चल रही है, रोड जो है वो बड़ा अच्छा और कारपेट रोड है, और सामने हिल्स हैं। और यहाँ पर भी आप देखें तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी नेचुरल किस्म का जो इन्वायरमेंट है वो आपको मिलेगा। और ये आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो यहाँ पे नहा रहे हैं, और चाचा जी भी कोशिश कर रहे हैं कुछ नहाने की। सो काफ़ी खूबसूरत सा सीन है। रोड बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत रोड है, यानी कि इस पे आपको राइडिंग का भी मज़ा आ रहा है, और बीच में नहर है, और आपके लेफ़्ट साइड पे सारे बागात हैं, और राइट साइड पे जो है वो कुछ घर बने हुए हैं और कुछ ग्रीनरी है। और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। देखें जी कितना खूबसूरत सीन है कि लोग नहा रहे हैं, और बड़ी खूबसूरत नहर है। और ये बहुत कम लोगों को ये रास्ता पता है, क्योंकि ये जो है वो इसको कैनाल रोड कहा जाता है, और ये जो है वो नहर के साथ से गुज़रते हैं। इसके व्यूज़ बड़े मज़े के हैं कि यहाँ पे आप जो है वो इंजॉय करते हैं पार्टी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग रूटीन में आपको जो है वो नहाते नज़र आएंगे। चलता पानी है, इसलिए साफ़ पानी है, शफाफ पानी है। और उसके जो राइट साइड पे है वो सारे बागात हैं, ये सारे पीछे जो है वो कीनू के और लोकाट, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो यहाँ पे उगती हैं। ओहो सीनरी देखें जी आप, और ये देखें जी बड़ा ही खूबसूरत सा एक रेवड़ लेवल। आप कहते उससे पकोड़े खाते, साथ पानी के पास बैठ जाते। अस्सलाम वालेकुम। ये खानपुर की तरफ कौन किस तरफ से जाएगा? इस तरफ सीधा। ये जैसे ही हम कैनाल रोड से बाहर निकले हैं तो ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर, अल्लाह भला करे, हम खानपुर रोड पे आ गए। दुआना ना लेके जाए, दुआना कौन ही मार के। ले सर जी, ये आप मेरी राइट साइड पे देख रहे हैं, ये सारे का सारा डैम है। ये मैं आपको ना यहाँ पे रुक के दिखा दूँ, हमारा यहाँ ना रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये मैं आपको दिखा दूं तो ये देखें आप, सारा ये डैम की लोकेशन है। लेकिन ना यहाँ पर भी रश है, हम ज़रा देखना चाह रहे हैं कोई पुरसकून जगह, और हम इसके लिए जो है वो मबाली रुकेंगे। और मेरा मूड तरबूज का था, मैंने उसको बोला भी है, तो इससे पता करते हैं कि तरबूज अगर मिल जाता है तो। हाँ जी अदवाना हैं? तो मैं देख रहा हूं ना, 2 किलोमीटर बाद वो राइट है एक जगह, वो मुझे पता है ना, 2 किलोमीटर है। चलो पूछो ना, पता तो करो। हमने सोचा कि नीचे उतर को ही आपको जो है ना वो कुछ शॉट्स एंजॉय करवा लें। तो ये देख रहे हैं आप डैम इस टाइम, क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं। ये लोग आगे चले गए हैं, बमाला ये है, और ये आप देख लें कि यहाँ पे आसार कदीमा और बमाला का बोर्ड मेंशन है, और वो लोग मेरे ख़्याल से आगे ना चले गए हों। ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है ना, गंदारा कैसल होटल एंड रिजॉर्ट, ये रोड नहीं पता है मुझे, सीधा ला 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 ला। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लेक व्यू होटल, ये सारे होटल जिनका खानपुर डैम के ऊपर की तरफ मुंह है, और बड़े अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, बड़े अच्छे फैमिली स्पॉट्स हैं। ये वाइट पैलेस है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये रोड आगे चल के थोड़ी सी ख़राब होगी, लेकिन हम गंदारा कैसल एंड होटल एंड रिजॉर्ट्स ये जो है इसकी तरफ हमें जाना है, ये वाला रास्ता हमें लेंगे। अब तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बन गई हैं, पहले ये बिल्कुल ही सन्नाटा, खामोशी और इस तरह का हुआ करता था। काफ़ी ऑफ रोडिंग है यहाँ पे, मगर इतनी भी नहीं, गुजारा चलेगा। फैमिलीज़ आई हुई हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, और आप सामने डैम की अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये काफ़ी ख़ूबसूरत व्यूज़ हैं। बहुत ही प्यारा डैम का व्यू जो है वो आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, पहले के मुकाबले में मैं जो फील कर रहा हूँ वो रोड की कंडीशन जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर है, और पहले तो रोड इससे भी बुरी कंडीशन में थी, मगर अभी कंपैरेटिवली जो है वो काफ़ी बेहतर है। हर डैम जो है वो हमारी आँखों के सामने, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है इसका यहाँ से। अब यहाँ की जो सबसे खूबसूरती है ना सर, वो ये है कि अब यहाँ से मैं चलता जाऊँगा और जो डैम है ना वो मेरे राइट साइड पे रहेगा टिल दी एंड पॉइंट तक, जो है वो ये मेरे साथ साथ रहेगा। और ये रोड की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर जो आपके राइट पे व्यू है इसका ना वो लिटरली पैसे पूरे करता, और बहुत ही ख़ूबसूरत, बहुत ही ख़ूबसूरत सर, बहुत ही ख़ूबसूरत। आप व्यू देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से, और सिर्फ मुझे एक टर्न लेना है, और इस टर्न लेने के बाद मैं भी इस व्यू के साथ साथ हो जाऊँगा। तो यही खूबसूरती होती है माउंटेन्स की, क्या आप हर कुछ टाइम के बाद ना इतना खूबसूरत व्यू मिलता है ना कि आपकी तबीयत रोशन हो जाती है, आप कहते हैं यार क्या बात है, मज़ा आ गया यार। ओहो, अब फाइनली हम स्पॉट पर पहुंच गए, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं। लेकिन हमें जो जाना है वो यहाँ जाना है, पीछे पानी काफ़ी बेहतर है। सो हम चलते हैं, नहाएंगे, हाथ में हमारे तरबूज हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं तो हम इसको भी इंजॉय करेंगे। सो मूव ऑन, आगे की तरफ चलते हैं और पार्टी करते हैं। इस वक्त जो है वो हम खानपुर डैम के पीछे बमाला एक स्पेसिफ़िक जगह है, यहाँ पर मौजूद हैं, और बिल्कुल आपको ऐसा फील होता है होगा यहाँ पर आके कि जैसे आप नारन कागान में आए हैं, और ये पुनहार रिवर ही आ रहा है जो कि सीधा खानपुर डैम में गिर रहा है। और पानी और इसकी सराउंडिंग में जो पत्थर हैं ख़ास तौर पे, वो बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो लिटरली ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पर आके कि जैसे मैं वाकई नारन कागान, और इस्लामाबाद से सिर्फ 1.5 घंटे की मुसाफियत पर यह स्पॉट है, और बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन जिस तरह की गर्मी है आपको एक अच्छा कूल फील जो है वो देता है। यहाँ पर आके आप पिंडी, जिस जो आज का दिन है इस पे टेम्परेचर 41 था, तो उसके बाद जब आप यहाँ पे इस पानी को एंजॉय करते हैं, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ पे लेटा हूँ और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उठ के बैठूँ भी, लिहाजा मैं वीडियो भी लेटे लेटे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत इंजॉय है स्पॉट पर, आप ज़रूर आएँ, और फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। रोड थोड़ा सा कच्चा ज़रूर है, लेकिन कोई भी गाड़ी और बाइक तो बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन गाड़ी भी आ जाएगी। मुश्किल रिवर क्रॉसिंग थी जो मैंने फैसल में की थी। दूधी पत्थर लेक पे जाते हुए दूसरी मुश्किल रिवर क्रॉसिंग जो मैंने यहाँ की है। पार्टी चल रही है और पत्थर नीचे जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और फ्लो पानी का बहुत अच्छा है, वो आपको बहा के आगे लेता है, आप इंजॉय करते हैं। लेकिन जो नीचे पत्थर है ना आपकी बम्पी पे ठीक ठाक लगते हैं। सो आपको थोड़ा सा वो एक लड़का जो थोड़ी देर पहले शोर कर रहा था कि भाई मेरी जो डैश डैश है ना वो कूटी गई है पत्थरों से, तो मैं हंस रहा था कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन जब मैंने खुद चक्कर लगाया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ही was absolutely right।